आज हम जिनसे बात करने वाले हैं पवन सिंह जी के बारे में, काराकट के बारे में, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं वो, और कैसे वो क्या करेंगे उसके बारे में ही कुछ जानते हैं, बात करते हैं। तो आइए कुछ खास बातचीत करते हैं हम शंकर प्रसाद जी से। तो आइए चलते हैं स्टूडियो में उनके। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका स्वागत है। हाँ, सबसे पहले बताइए करकट्टा से हमारे पवन सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं इसके बारे में दो शब्द बोलिए कुछ। हाँ, ये तो अभी माहौल बना हुआ है करकट का, जब से जो है पवन सिंह ट्वीट किए हैं तब से जो है हिंदुस्तान के हर एक कोने में काराकाट का नाम फैला। जब उनके ट्वीट से इतना नाम रोशन हो सकता है तो पवन सिंह तो ऐसे ही दिल का बहुत बढ़िया आदमी है, मिजाज का है। मिजाज जब बना रहता है तो उनसे कुछ भी मान लीजिए खीरा भी हो जो ना वो खीरा के रूप में जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो दे देंगे खीरा ऐसे ही? अरे अभी तो देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं उनका प्रचार अभियान चल रहा है, इतना 42-45 डिग्री के तापमान में उनके इतने जो ना युवा फैन फॉलोअर है कि उनको जिताने के लिए एकजुट हो गए हर जाति धर्म के लोग जो है ना अपने जाति धर्म छोड़ करके हम उनको वोट देने के लिए तैयार हो गए। सारी शक्तियाँ लग गई है उनको जो ना जिताने के लिए, बैकअप करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू मुस्लिम है कि क्या, हिंदू धर्म में माँ का जो आशीर्वाद लेकर के जो पुत्र जो चल दिया तो बैकअप होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि माँ का वो सम्मान की बात है, माँ का कर्ज की बात है। अब वादा किए है और पूरे मत करें या तो वादे मत करें, उस वादा करेंगे। अभी उनकी माँ जो है पवन जी को बोली है कि आज से मैं अपना काराकाट का बेटा सौंप रहा हूँ, इनको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सहयोग कीजिए और इनको संसद बनाकर दिल्ली भेजिए। अब आप खुद जो है मिनी फिल्म सिटी खोलने वाले हैं, आए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ समय बिताएंगे, वर्क भी ऑर्डर दिल्ली में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो पूरा जीत पाएंगे या नहीं? 110% जीत जाएंगे। इसमें कोई कोई एक ही लग रहा है वो हर जगह से खड़ा हो जाए ना, कोई अपने को बाहुबली भी मानता है, वहाँ से भी पहुँच जाएंगे। उनकी जो दिलों पर इतने बिहार वासियों, इसके बाद अदर स्टेटों में भी उनके फैन फॉलोअर और दिल पर राज करने वाले हैं कि वो अपनी जान देने के लिए भी जो तो चलिए। तो आपको क्या लगता है, गांव के लोगों को क्या लगता है कि क्या कुछ आगे बढ़ पाएंगे वो? और मोदी जी के बारे में और जो मनोज तिवारी जी के बारे में बहुत कुछ बातें कही जा रही है, तो आपको क्या लगता है? किसी के ऊपर सबका सम्मान कर रहे हैं, वक्त के अनुसार जो काम कर रहे हैं सब कुछ सही कर रहे हैं। और कोई कुछ भी कहे, पवन को कोई रोका है न रोकेगा, न रोक पाएगा। चलिए बहुत बहुत जो ना किसी के बस की बात नहीं है जी पवन जी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।